रिया, क्या तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे पैसों को तब भी कंट्रोल कर सकता है जब तुम्हारे पास एक फुटी कौड़ी भी ना हो? हाँ, वो तुम्हें कर्ज में डाल सकते हैं। क्या? मैंने जस्ट अभी मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। पर तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम हाँ बोलने के बाद चुप हो गई और मेरे अपने ऑप्शन को क्लिक करने के बाद पूरी बात बोली। ओह सॉरी, मैं पानी पी रही थी। तुम्हारे सोलमेट को तुम्हारे पैसों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं, इसलिए तुम्हें अपना ऑप्शन फिर से चूज करना पड़ेगा। रिया, हाँ, हमारे सोलमेट हमारे पैसों को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर हमारे पास कोई पैसे है ही नहीं। ओह, मुझे लगता है कि मुझे सोशल मीडिया पर देखी गई हर चीज पर यकीन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तो फिर अब तुम्हारा सोलमेट तुम्हारी किस चीज को कंट्रोल करने वाला है? मैं श्योर नहीं हूँ, शायद मेरा फेस या ऐसा कुछ। कम ऑन, हमें कैंप ओरिएंटेशन के लिए जाना है। कैंप लूलू में तुम सबका स्वागत है। बेस्टी, क्या तुम ठीक हो? हाँ, वो बस। ओ, हमें हमारे कैंप की फर्स्ट क्राय बेबी मिल गई है। तुम्हारा नाम क्या है? मिंकी। मिंकी? वेल मिंकी, तुम रो मत, शायद तुम्हें अपने मॉम डैड की याद आ रही है, पर ये कैंप सिर्फ एक हफ्ते के लिए है और तुम हर रोज अपने घर पर कॉल कर सकती हो। ठीक है? ठीक है। मिंकी, तुम्हारी मॉम को यहाँ से गए हुए सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं, खुद को संभालो। आई एम सॉरी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, आफ्टर ऑल मेरा सोलमेट मेरे फेस को कंट्रोल नहीं कर रहा है। क्या? वो तुम्हारा फेस कंट्रोल नहीं कर रहा? तो फिर वो क्या कंट्रोल कर रहा है? वो मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। ओह नो, ये तो बुरा हुआ। इससे अच्छा तो होता कि वो तुम्हें कर्ज में ही डूब जाने देता। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि इससे अच्छा होता कि तुम्हारा सोलमेट तुम्हें अच्छी नींद सुला देता। मैं थोड़ा उस तरफ जा रही हूँ जहाँ मैं मर्डर डिस्टेंस में ना रहूं। हे, मेरा नाम रोहन है। मिंकी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ये बात पता है नहीं, पर इस वक्त समुद्र में एक बोट रेस कंपटीशन चल रही है, तो क्या तुम उसमें मेरे पार्टनर बनोगी? नेकी और पूछ, सुनने में तो ये बहुत ही ज्यादा मजेदार लग रहा है। क्या तुम श्योर हो? क्योंकि मैं श्योर हूँ कि मैंने तुम्हें इस बात पर मुंह बनाते हुए देखा। नहीं, मुझे बोट रेसेस बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, लेट मी गेस, क्या तुम्हें ज्यादा गहरे पानी से डर लगता है या ऐसा कुछ? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। ठीक है, फिर बोट रेस रहने देते हैं, क्यों ना हम उसके बदले आज रात बॉनफायर में साथ में हैंग आउट करें। हाँ, ये तो उससे भी अच्छा आइडिया है। मैं तुमसे आज रात को मिलती हूँ। मुझे अपने आप में ही डिस्गस्टेड फील हो रहा है, ये कितना बुरा था। रिया, मेरा सोलमेट बहुत बुरा है। क्या तुम मजाक कर रही हो मिंकी? नहीं, मेरा सोलमेट मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। इस दुनिया में इससे बुरी चीज और क्या ही हो सकती है? ओह हाँ, मैं समझ सकती हूँ, उसकी वजह से आज तुम एकदम अलग ही बिहेव कर रही हो, जैसे तुम बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे पता है। प्लीज, फिर से एंगर इमोशन नहीं। आई एम सॉरी रिया। ओह मिंकी, कोई बात नहीं यार, मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करना बंद करो, मैं एक शैतान हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ, ये कितना अच्छा आइडिया है, तुम कितनी स्मार्ट हो रिया। हाँ, यू नो वॉट, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी जैसा तुम इस सिचुएशन में होने पर करती, और तुम मेरी जगह होती तो तुम इस वक्त रोहन के साथ सारी चीजें फिक्स कर रही होती। कौन रोहन? थैंक्स रिया। ओच, ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? क्या तुम्हारी चोट से खून निकल रहा है? क्या तुम्हारे पैर की उंगली धड़ से अलग हो गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे इस पैर की उंगली तो बचपन से ही नहीं थी। थैंक गुडनेस, पर फिर भी एक बार फिर से आई एम सो सॉरी, मैं कितनी लापरवाह हूँ। पर तुम इतनी हड़बड़ी में जा कहाँ रही थी? मैं अपने फ्रेंड को ढूंढ रही हूँ। वेल, हम फ्रेंड्स तो नहीं है, मैं बस उससे कुछ घंटों पहले ही मिली हूँ, तो मुझे नहीं पता कि टेक्निकली मैं अभी उसे अपना फ्रेंड बुला सकती हूँ या नहीं, पर मैं उसी लड़के को ढूंढ रही हूँ। उसका नाम रोहन है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? रोहन? हाँ, वो तो मेरा रूममेट है। क्या सच में? हाँ। ओह माय गॉड, क्या वो यही है? क्या उसने मुझे तुमसे उसकी जासूसी करते हुए देख लिया? नहीं, वो तो लेक के पास फिशिंग करने के लिए जा रहा था। बाय द वे, मेरा नाम रॉकी है और तुम्हारा नाम क्या है, ताकि मैं रोहन को बता सकूं कि मैं तुमसे मिला था। मिंकी। मिंकी, नाइस टू मीट यू मिंकी। पर सुनो, उसे ये मत बताना कि मैं उसे ढूंढ रही थी, क्योंकि भले ही मैं उसे ढूंढ रही थी, पर मैं नहीं चाहती कि उसे ये बात पता चले कि मैं उसे ढूंढ रही थी। ओके, चिंता मत करो, तुम्हारा सीक्रेट मेरे हाथों में बिल्कुल सेफ है। थैंक्स, ऑल दी बेस्ट मिंकी। हाय रोहन। ओह मिंकी, हाय, कैसा चल रहा है सब? थोड़ी देर पहले जो हुआ, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मिंकी, तुम उस बारे में इतना क्यों सोच रही हो? इट्स ओके, बाय द वे, क्या तुम पहले से बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, और मैं तुम्हें ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं इतनी देर से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही थी, वो इसलिए क्योंकि तुम कितने कूल हो। ओह थैंक्स, पर ये वो बात नहीं है जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मैं तुम्हारे इन खूबसूरत बालों से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। तुम इन्हें इस तरह से कैसे सेट कर लेते हो? जेल यूज करके। मुझे तुम्हारे जेल की जरूरत है। मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम्हारे बाल जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू।
क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? नहीं, तुमने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा, पर जो बात मैं तुम्हें इतनी देर से बताने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि मेरा सोलमेट मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है। मिंकी, तुमने वो ऑप्शन चूज ही क्यों किया? तुम्हें बाकी सबके जैसे बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन को चूज करना चाहिए था। उसके लिए तुम्हारे पास पैसे भी तो होने चाहिए। मैं बस तुम्हें अच्छा महसूस कराने की कोशिश कर रहा था, पर मैं साफ देख सकता हूँ कि तुम हंसने वाले मूड में तो बिल्कुल नहीं हो। ओह, तो क्या तुम अभी भी आज रात को बॉनफायर में मेरे साथ मेरे बगल में बैठना चाहोगे? मिंकी, आई रियली होप कि तुम मुझे इस बात को लेकर गलत ना समझो, पर मुझे लगता है हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम ऐसा ना करें। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। ओके, बाय। प्लीज, क्या तुम बॉनफायर में मेरे साथ चलोगे? नहीं, वहाँ पर बहुत सारी छिपकलियाँ होंगी। वो तो यहाँ भी हो सकती है। तुमने ऐसा क्यों बोला? सॉरी, पर मैं बस इतना बोल रही हूँ कि छिपकली तो यहाँ भी हो सकती है, और वैसे भी बॉनफायर उतना डरावना नहीं हो सकता जितना तुम्हारा यहाँ रात में एकदम अकेले रहना हो सकता है। तुम ठीक बोल रही हो, तुम्हें यही मेरे साथ रुकना पड़ेगा। नो वे, मैं यहाँ नहीं रुकने वाली मिंकी, बट आई रियली होप कि तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे इमोशंस को जल्दी चेंज कर दे, क्योंकि ये फेयर तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अब क्या हुआ? मुझे सड़े हुए अंडों की बदबू आ रही है। सॉरी, ठुसकी बॉम्ब था, मुझे पता नहीं था कि ये इतना बुरा होगा। रिया, अपनी इस पास की दुर्गंध को उस बॉनफायर में जाकर उन्हें सुखाओ। ये एंग्री मिंकी हमेशा मेरे टाइम पर ही क्यों आती है? तो तुम भी उस बॉनफायर में नहीं जाने वाली? इस वक्त मैं लोगों से मिलने जुलने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। पर क्यों? क्या सब ठीक है? नहीं, मेरा सोलमेट मेरे इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, और उसने मेरे आज के दिन को ऐसा बना दिया है जहाँ मेरे लिए फ्रेंड्स बनाना इम्पॉसिबल है, तो उनके साथ हैंग आउट करना तो दूर की बात है। मैं समझ सकता हूँ, अपने इमोशंस पर जीरो कंट्रोल होना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। ये मुश्किल है? तो फिर मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि तुम्हारा सोलमेट कौन है। नहीं, पर जैसे ही मुझे पता चलेगा कि मेरा सोलमेट कौन है, बूम, गेम ओवर। ओके, लगता है तुम अपने सोलमेट को कुछ खास पसंद नहीं करती। मैंने सही कहा ना? मैं उसे पसंद कैसे कर सकती हूँ? उसने रोहन के साथ मेरी बात बनती बनती बिगाड़ दी। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि रोहन एक ऐसा लड़का है जिसके साथ तुम अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी। सच कहूँ तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। तुम ठीक कह रही हो, पर मैं रोहन को जानता हूँ। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे तुम कुछ जानते हो रॉकी? क्या वो रोहन है जो मुझे कंट्रोल कर रहा है? नहीं तो। तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता। यू नो व्हाट, मैं उस बॉनफायर में जाने वाली हूँ, और मैं वहाँ जाकर अपने प्यार का इजहार करने वाली हूँ। नहीं, रुको मिंकी, मेरी बात सुनो। मिंकी रुको, रुक जाओ, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया है, इतने सारे लोगों के सामने जाकर रोहन से अपने प्यार को इजहार करना। रॉकी, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटने पर मजबूर कर दूंगी। ठीक है। मिंकी, यहाँ पर। तो तुमने यहाँ आने का फैसला कर ही लिया? हाँ, मैं बस अभी तुम्हारे पास आती हूँ, पर पहले मुझे रोहन से कुछ बात करनी है। हाय रोहन। ओ मिंकी, हाय, तुम्हें याद है ना मैंने कहा था कि आज रात हम एक साथ हैंग आउट नहीं करने वाले? हाँ, मुझे समझ नहीं आता कि तुमने वो क्यों कहा। क्योंकि तुम इस वक्त काफी कुछ झेल रही हो। छिपकली कहाँ पर? मुझे नहीं पता, पर शायद आसपास। शायद हम बाहर हैं मिंकी। रोहन। हाँ बोलो। मुझे पता है कि वो तुम्ही हो जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। क्या? मैंने कहा कि मुझे पता है कि वो तुम्ही हो जो मुझे कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें गलत फहमी हुई है मिंकी, मैं तुम्हारा सोलमेट नहीं हूँ। एक्चुअली मुझे आज शाम को ही मेरी सोलमेट मिल गई थी, और वो तुम नहीं हो। तो फिर वो कौन है? ईशा, वो वहाँ पर बैठी है, मैं एक हफ्ते से उसका बैंक अकाउंट कंट्रोल कर रहा था। पर रॉकी ने तो कहा कि... वेट, रॉकी ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ? आई मीन लाइक काइंड ऑफ, एक अजीब तरीके से, बिना उन एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज किए, पर उस तरीके की टोन यूज करके जिससे मुझे लगा कि वो तुम ही हो। ओह गॉड, देखो मिंकी, मुझे नहीं पता कि रॉकी ने तुमसे क्या कहा और क्या नहीं, और उसने किस टोन को यूज किया या नहीं किया, पर मैं तुम्हारा सोलमेट नहीं हूँ। बट यू नो व्हाट, शायद रॉकी तुम्हारा सोलमेट हो सकता है, क्योंकि वो भी अपनी सोलमेट के इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। क्या सच में? इसीलिए वो इतना चीप बिहेव कर रहा था, और मुझे लगा कि वो बस इतने टाइम तक तुम्हें बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहा था। पर असल में तो उतने टाइम तक मुझे तुम्हारे सामने कितनी बड़ी बेवकूफ साबित करने पर तुला हुआ था। इसीलिए वो लगातार मेरे इमोशंस को चेंज कर रहा था। मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा, और उसने अब तक मुझे जितना भी परेशान किया है उसका भुगतान उसे करना होगा। गुड लक तुम्हें और उसे भी। रॉकी, वो रोहन नहीं है, है ना? मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि वो रोहन है, वो तो सिर्फ तुम ही बोले जा रही थी। वेल, तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी तो नहीं की, तुम्हारी वजह से एक बार फिर से रोहन के सामने मेरा पोपट हो गया। आई एम सॉरी, पर मैं बस तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, और इसीलिए मैं तुम्हारे जितने ज्यादा इमोशंस को जितनी जल्दी चेंज कर सका मैंने किया। हाँ, मैं वो फील कर पा रही थी। सॉरी, क्या तुम अभी भी मेरे इमोशंस को चेंज कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई स्वेयर, मैंने किसी स्विच को हाथ तक भी नहीं लगाया। तो फिर ये कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता, शायद अब ये खुद ब खुद स्विच हो रहे हैं। हाँ, जरूर
रोन, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे फाइनली पता चल गया है कि मेरे सोलमेट तुम हो। फाइनली मैं आजाद हूँ। मिंकी, अगर मैंने इन दिनों तुम्हें ज्यादा परेशान कर दिया हो तो आई एम रियली सॉरी। मैं बस इसका यूज करके तुम्हारे साथ मस्ती करना चाहता था और कुछ नहीं। अपॉलोजी एक्सेप्टेड। तुमने अपने सोलमेट को ढूंढने के लिए 48 आवर्स लिए, इसलिए अब तुम अगले 24 घंटों के लिए अपने सोलमेट के इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हो। एक्चुअली आई थिंक अगले 24 घंटों के बाद हम दोनों का हिसाब बराबर होने वाला है। और तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो तुम्हें पता चल जाएगा। मिंकी, तुम ये क्या कर रही हो? नो, मिंकी, उन बटन्स को बिल्कुल टच मत करना। मैंने कहा उन बटन्स को बिल्कुल टच मत करना।